दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल आशीष LLB में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पे बात करने वाले हैं CGM यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर आप लोग BA LLB या LLB कर रहे हैं और दोस्तों वहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो दोस्तों आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बता दूं कि आप लोगों का BA LLB और LLB का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप लोग कानपुर यूनिवर्सिटी का अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा जिससे मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखा सकूं। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में सर्च करना है csjmu.ac.in। जितना डाल के दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को हम कट कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे पॉपअप पे कट करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को होम देखने को मिलेगा, एकेडमिक मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, गुरेंस मिल जाएगा, स्टूडेंट सर्विस के आप लोग ऊपर आएंगे। स्टूडेंट सर्विस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही रिजल्ट्स के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे एनुअल सेमिस्टर पब्लिक मेडिकल एग्जाम। तो यहाँ पे दोस्तों एनुअल वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेशन सिलेक्ट करना है जिस सेशन में आप लोगों ने एग्जाम दिया है। हम यहाँ पे 2021-22 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोर्स टाइप जो देख पा रहे होंगे, कोर्स टाइप में प्लीज सिलेक्ट में आप लोग UG है या PG। तो हम UG है क्योंकि LLB और BA LLB दोनों UG कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप में आप लोग सिलेक्ट करेंगे रेगुलर या सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम रेगुलर हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोर्स टाइप में आप लोग आएंगे देखेंगे यहाँ पे BA LLB ऑनर्स रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे LLB आ चुका है। वैसे तो यहाँ पे BBA BCA BCom BSc AG ऑनर्स यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग जिसको भी देखना है उस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम LLB मान लो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को BLLB है तो BLLB सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे BBA BCA जो भी देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे LLB सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ईयर सेमिस्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग रोल नंबर डालेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है इसलिए दोस्तों हम आगे आप लोगों को नहीं दिखा सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे आपके रिजल्ट ही शो करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।